अररिया में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में बम्पर जीत के बाद ढोल नगाड़े बजाकर हर्ष व्यक्त किया एवं इस अवसर पर विजय जुलूस भी निकाला गया। ज्ञात हो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इस वजह से बिहार की आम आदमी पार्टी बेहद ही उत्साहित है। अररिया जिला आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, नफरत और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, यह जनता ने दिखा दिया है। इस अवसर पर आप जिला अध्यक्ष राजीव कुमार, वहदार सहरियार खान, नासिर अंसारी सहित कई आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा माहौल है, आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाई लोग यहाँ बांट रहे हैं और अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी हो रही है और ये वापसी भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा, वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बनवाएगा। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है, एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है, ये देश के लिए बहुत शुभ संदेश है और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। यह केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत
धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सके। मैं सभी दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की और मेरे परिवार ने, उन्होंने भी खूब लग के मेहनत की, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है, मैंने तो केक खा लिया, आप सबको भी खिलाएंगे अभी, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने को अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से, अपने परिवार ने बड़ी उम्मीदों से इतनी सीटें दी है, अब अपने को अगले 5 साल खूब मेहनत करनी है ना, सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। सब लोग तैयार हैं? भारत माता की, इनकलाब वंदे। जनता ने दी है, जनता जो है लोकतंत्र में बहुत ही अहम भूमिका में रहती है, आप लोग जानते ही हैं। और ये विकास के मुद्दे पे आए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे आए, न कि ये बांटने के मुद्दे पे नहीं आए, तोड़ने के मुद्दे पे नहीं आए। ये एकजुटता लोगों ने शिक्षा के मुद्दे पे दिखाया है और स्वास्थ्य के मुद्दे पे दिखाया है। लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधा सरकार ने दी, केजरीवाल सरकार ने, इसलिए वो आज सप्ताह में फिर वापस आ रहे हैं। आगामी विधानसभा को लेकर हो सकता है कि हमारे माननीय केजरीवाल के द्वारा जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे विधानसभा। क्या नाम हो? राजेश कुमार, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जीत तो ये बहुत बड़ी जीत है और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की जनता को, जो कि इतने क्या कहते हैं कि मुद्दे को लेकर के आए इन लोगों ने और उसके किसी मुद्दे को नहीं सुना और सब विकास के नाम पर वोट दिया। और पब्लिक को विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए और बेरोज़गारी दूर, जैसे अभी बिजली का बिल माफ़ी किए हैं केजरीवाल जी दिल्ली में, और 200 यूनिट बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री है और इतने इतने सुविधा का क्या कहते हैं विकास किए हैं, जिसके चलते विकास के चलते पूरी दिल्ली में 3 ही चेहरा देखे जा रहे थे, एक केजरीवाल साहब और एक मनोज सिसोदिया साहब और एक और कोई नेता थे बेचारे उनके, संजय सिंह। तो इन 3 नेता के सामने और बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनकी अभी पूरे भारत में हुकूमत है, उसके सारे मंत्रालय को वहाँ दिल्ली में उतार देने के बाद, और आज इसके पार्टी बोलते हैं कि पहले तो हम 3 सीट लाए थे, अभी तो उससे बेहतर है हमारा, हम ये सोच रहे हैं कि कोई जीत उनकी नहीं है, वो जो सीट लाए हैं अगर वो वहाँ मंत्रालय, सारे मंत्रालय को दिल्ली में नहीं उतारते बीजेपी वाला, तो उनका एक भी सीट नहीं आता। हम लोग तो चाह रहे थे कि उसके काम पर, केजरीवाल के काम पर दिल्ली की जनता वोट दिया है, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में ऐसे ही क्या कहते हैं कि केजरीवाल साहब आए और हम लोगों को यही सब सुविधा दे। यहाँ पर हम लोग का यही मांग है कि केजरीवाल के जैसा मुख्यमंत्री हम लोग को भी बिहार में चाहिए और केजरीवाल ही चाहिए। मेरा नाम तारिक अनवर है और मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। से भी आम आदमी जो है।
केजरीवाल सरकार को जो मैंडेट मिल रहा है वो जनता ने दी है, काम के आधार पर दी है। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मल्टी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा, आईसीयू, एनआईसीयू, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो फार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा। हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड 0 माइल अररिया। आपके शहर में पहली बार मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आए हैं प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉन्डीबॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब।